हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर में वायरस भर जाता है या फिर वायरस आ जाता है जिससे कंप्यूटर अटकने लगता है, तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे वायरस आ जाता है, कुछ डाउनलोड करते हैं उसमें से कुछ वायरस आ जाता है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ होता है जो भैया मतलब डिलीट ही नहीं हुआ होता है, उसको हम कैसे टेक कर उसको पूरा डिलीट मार के रिफ्रेश करें और तुम्हारा जो कंप्यूटर भर जाएगा ना, तो मतलब उसको साफ़ कैसे करें। तो दोस्तों, उसको साफ़ हम कर सकते हैं ईजिली तरीके से। आइए देखते हैं कैसे करते हैं उसको। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे आ जाना है, ठीक है। कंप्यूटर में मैं आ चुका हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले कीबोर्ड में आप लोग को कौन सा की प्रेस करना है, विंडो आर, ठीक है दोस्तों। विंडो आर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कुछ खुल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प, लिखेंगे क्या लिखेंगे, TEMP टेम्प, ठीक है। और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। कंटिन्यू, यहाँ पे इतने सारे फाइल्स हैं जिसको हम डिलीट करना है। तो हम सबसे पहले तो कंट्रोल डी, ठीक है, इसमें से आप मतलब कर सकते हो डिलीट। ये मेरे इंपॉर्टेंट फाइल है दोस्तों, इसलिए मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। और एक और है यहाँ पे, आपको विंडो आर फिर से प्रेस करना, उसके बाद आपको लिखना होगा परसेंट, ऐसा लिख के सर्च कर देना दोस्तों, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा। या फिर आप अगर रिसाइकल बिन में जाते हो, यहाँ पे है रिसाइकल बिन, इसको कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे जो ऐसे म्यूजिक्स वगैरह हैं वो सब यहीं पे हैं जो डिलीट नहीं हुआ है दोस्तों। इसको डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल और प्रेस करना होगा और डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडिटर प्रेस कर देना है, इससे सब डिलीट हो जाता है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अपने इस भाई को यूट्यूब पर सपोर्ट करना दोस्तों।